दूर से आया, हर गेट पास करके लगभग 4 से 5, अभी एंड में सिर्फ एक कदम है बुर्ज खलीफा हम देखने के लिए, लेकिन वहीं जा नहीं पा रहा यार। बस ये फाइनल गेट है, अगर ये क्रॉस हो जाए फिर आप बुर्ज खलीफा का मजा से मजा लें। मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ से पास कर पाएगा। नमस्ते रशीद, अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत करते हैं 2023 में नागे जीएस प्रोमो चैनल में। वैसे आज लास्ट डे है, लास्ट डे बोले तो कुछ टाइम ही बाकी है, लगभग 1-2 घंटा ही बाकी है, और हम लोग जा रहे हैं बुर्ज खलीफा का जो क्या था आपका लाइटनिंग शो में, फायर शो में जा रहा है, और बुर्ज खलीफा का चारों तरफ से बंद किया गया पूरा, वो क्या कहते हैं रेलिंग लगाया, जो ऐसे ये रेलिंग लगा के रखा है, और दुबई मॉल का जो मेट्रो स्टेशन है, जो बुर्ज खलीफा का मेट्रो स्टेशन बोलते हैं, वो भी नहीं रुक रहा है। तो हम लोग यहाँ में बिजनेस बे का मेट्रो स्टेशन में आया है, और यहाँ से दुबई मॉल चल के जाते हैं। तो मैं अकेला यार, मेरे भाई लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ रैली जो पीछे ना, कितना लोग है उस बाउंड्री के पीछे में। ये आपका जो रेलिंग है लगभग वहाँ से लगाया है, बिजनेस बे से लगाया है, माय गॉड, किसी को अंदर आने ही नहीं दे रहा। अंदर आने के लिए वो स्पेशल एक पास होना पड़ता है, ग्रीन पास, जो कि मेरे पास था, मुझे बॉस ने दिया था, तो मैं और हमारा दो दो दुबई तो आ गया मुख्य, देखते हैं अभी दुबई मॉल के अंदर जा पाएगा कि नहीं पाएगा। यहाँ से तो हम निकल गया, लेट्स सी। यहाँ में भी चेक हो रहा है, माय गॉडनेस, बार बार चेक, बार देखो ये सारा जो लाइन है ऐसा बना के रखा हुआ है, ये सारा दुबई मॉल जाने के लिए, बोले तो बुर्ज खलीफा का जो लाइटनिंग शो होगा न्यू ईयर के लिए, उसके लिए देखो ऐसा बना के रखा हुआ है। हर एक जो एंट्रेंस है ना उससे पास होता है, ऐसे फील हो रहा है कि जैसे चाइना से इंडिया पास हो रहा है, या इंडिया से चाइना बॉर्डर से पास हो रहा है। माय गॉडनेस, इतना स्ट्रिक्ट चेक हो रहा है वो जो ग्रीन पास के लिए। आज का जो एक्सपीरियंस था वो कसम से नेक्स्ट लेवल का था। लगभग तीन से चार गेट वहाँ पे चेक हुआ। माय गॉडनेस, लोग इतना दूर दूर से देख रहे हैं, हालांकि हम लोग किस्मत अच्छा था इसलिए हम लोग बुर्ज खलीफा का एग्जैक्ट नीचे आ गए हैं। अभी कोशिश करेगा कि अंदर जाने के लिए दुबई मॉल में, वो इससे ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करेगा, पॉसिबल होगा कि नहीं होगा देखिएगा। देखो यहाँ इतना चेक हो रहा है ज़बरदस्त, ये देखो ब्रेक का बाहर में कितना लोग हैं, और हम लोग भी अभी तक वहाँ अंदर एग्जैक्ट जगह में पहुँचा नहीं है, और यहाँ देखो इतना ट्रैफिक है। ये एक्चुअली मेन रोड है सुगल बाहर का, ये मस्त बैठा है यहाँ। जिंदगी में कभी भी लाइफ में कभी इतना चेक से गुजरना नहीं पड़ा हुआ। आज ये बुर्ज खलीफा का जो लाइटनिंग शो देखने के लिए आया था, 2022 अभी पास हो रहा है, और 2023 को वेलकम करने के लिए दोस्त के साथ यहाँ आए थे, मैं सांगदोर जी और किसानशु। हालांकि मेरे पास सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का जो पास होता है वो दो पास था मेरे लिए और सांग के लिए, हम लोग अंदर जा सकते थे, लेकिन सांग भी एक्साउंस भी है, अभी हमें 3 आदमी जाना है, पर कैसे जाएंगे, सो हम लोग यहाँ स्टक हो गया, इसलिए कोशिश कर रहेगा सिक्योरिटी गार्ड से बात करके कुछ तरकीब निकालने के लिए, ठीक है, कोई ऑप्शन तो ज़रूर होगा, वेट करते हैं, सांग को आने देते हैं। देखो पीछे में कितना लोग है, ये सारा लोग हैं बुर्ज खलीफा का जो लाइटनिंग शो देखने के लिए आया। ये मेन रोड है आपका, नहीं सॉरी, सुकाल बार का ये मेन रोड है, पूरा बैरियर लगा के बंद किया है, और देखो कितना लोग है, माय गॉडनेस, ये देखो बैरियर के बाहर, ये तो कुछ भी नहीं है अभी, और जो शेख जायद रोड का पीछे भी बहुत लोग है, बिजनेस बे में बहुत लोग है, वहाँ आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो शेख जायद रोड है उसका पीछे में बहुत लोग है, आपका ये सतुआ का जो एरिया है ना वहाँ साइड में भी काफ़ी लोग है, जहाँ जहाँ से बुर्ज के लिए वो थोड़ा भी नज़र आ रहा होगा वहाँ में क्राउड बढ़ के जम के, और वहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था ना वो तो मैं ही जानता हूँ, कितना तकलीफ से गुजरना पड़ा। कम से कम 4 से 5 गेट, चार गेट ऑलरेडी हो चुका है, अभी ये एक गेट और बाकी है, ये गेट पास करने से 5 गेट होगा तब जाके हम फाइनली बुर्ज खलीफा में पहुँचेगा, यानी एग्जैक्टली जहाँ बुर्ज खलीफा वहाँ पहुँचेगा। आमतौर पर तो मैं हमेशा वहीं काम करता हूँ, इजीली चला जाता हूँ, लेकिन आज माय गॉडनेस, तो चलिए वेट करते हैं जब तक वो सांग लेकर नहीं आए टिकट फिजिकली। इतना दूर से आया, हर गेट पास करके लगभग 4 से 5, अभी एंड में सिर्फ एक कदम है बुर्ज खलीफा हम देखने के लिए, लेकिन वहीं जा नहीं पा रहा यार, बस ये फाइनल गेट है, अगर ये क्रॉस हो जाए फिर आप बुर्ज खलीफा का मजा से मज़ा ले सकते हैं, और मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ से पास कर पाएगा।
दुखी भरे बबुल It's okay, ready? समाप्त हो गया, अभी चलते हैं घर को, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, थैंक यू बीइंग विद जेएस प्रोमो। बाय बाय।